बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा टॉपिक है रेजोनेंस मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने स्टेबिलिटी पढ़ा था, आज हम देखेंगे रेजोनेंस मेथड। अब रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है जी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है वेलेंस इलेक्ट्रॉन की वो क्या कहलाएगी? रेजोनेंस कहलाएगी। जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और उनको हम सेपरेट करेंगे डबल हेडेड एरो से। ये वाला जो डबल हेडेड एरो है इसे हम सेपरेट करेंगे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस वजह से बनेंगे? पी ऑर्बिटल की वजह से। अगर आप देखो कार्बन की, आप लोगों को याद हो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन आप पढ़ चुके हो कि 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz, और इन सब में क्या है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है बेंजीन के अंदर क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और दो p ऑर्बिटल मिलेंगे। ये जो है ये बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इस ये हाइब्रिडाइजेशन से ये हमारे पास फ्रेमवर्क बनता है, जो 6 मेंबर रिंग है ये बनती है। अब हमने देखना है इस 2pz ऑर्बिटल को। अगर आप देखो इसकी शेप क्या है 2pz ऑर्बिटल की, दो लोब है, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो पी ऑर्बिटल है ये किस तरह से डिफरेंट पेयरिंग स्कीम करेंगे और हमारे पास ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं बेंजीन के वो किस तरह से बनेंगे। इस प्रोसेस को हमने देखना है। ये मैंने 6 मेंबर रिंग सारी की सारी ड्रॉ करके रखी हुई है। अब देखें जरा, ये हमारे पास है पी ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के पास पास हैं। अब ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे और नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ ओवरलैप करे, इसका मतलब है डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? ये इसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बॉन्डिंग के पी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग और ये लाइन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनेगा। अब ये इसके साथ ओवरलैप करे और ये इसके साथ ओवरलैप करे। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में। अब ये इसके साथ ओवरलैप करे और ये वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? इस ओवरलैपिंग से यहाँ यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, वहां पे हमारे पास बॉन्ड बन रहा है उन्हीं कार्बन के बीच में। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अब यहाँ पे था इन दोनों लोब्स ने, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन ने ओवरलैपिंग की। अब अगर ये दोनों ना करें, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लें, क्योंकि ये भी तो एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट है। जब ये दोनों लोब ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में। ठीक, अब उसके बाद क्या हो, ये कार्बन 3 और कार्बन 4 वाला जो पी ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करे। अब बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में। अब नेक्स्ट क्या हो, कार्बन 5 और कार्बन 6 वाला जो ओवरलैप लोब है पी ऑर्बिटल का, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड, ये मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया था ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, अब ये अगर ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास है जी दो स्ट्रक्चर बन गए। अब नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो किसकी हो? ये कार्बन 1 और कार्बन 4, ये है कार्बन 1 और ये है कार्बन 4। ऊपर वाला लोब, क्योंकि ये इसके भी एडजेसेंट है, ऊपर वाले लोब से नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब से ओवरलैप करें। अब आपके पास बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? कार्बन 1 पाई बॉन्ड और कार्बन 4 के बीच में ये। अब अगला पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। अब कहाँ पे आ जाएगा? कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। नेक्स्ट क्या होगा? ये ऑर्बिटल पी इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गए। उसके बाद अब इसकी बारी आ गई, अब इसमें क्या हो, हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कैसे बने? यह है कार्बन 2 और यह है कार्बन 5, यह है 2 और यह है 5। ठीक है, 2 वाला 5 के एडजेसेंट है, सामने है बिल्कुल। ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप करे और ये इसके साथ ओवरलैप करे। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? 2 के बीच में और 5 के बीच में। ठीक, अच्छा जी, अब ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे और ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे, जहां जहां पे ओवरलैप हो रही है उन्हीं दो कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड ले आना है। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, नेक्स्ट ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इधर करेगा, नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या है? कार्बन 3 और कार्बन 6, ये है कार्बन 3 और ये है कार्बन 6, ये आमने सामने है, यहाँ से ओवरलैपिंग हो इस तरह से।
अब बॉन्ड कहाँ आएगा, कार्बन 3 और कार्बन 6 के बीच में, ठीक है। अब ये ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब से और नीचे वाला नीचे वाले से किसके बीच में, कार्बन 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये आपस में ओवरलैप करेंगे, कौन से 4 और 5 के, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आपके पास 5 पॉसिबिलिटी थी किसकी, पी ऑर्बिटल की, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की, ठीक है। ये जो पी ऑर्बिटल, ये वाला जो था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये सॉलिड फ्रेमवर्क जो मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है, ठीक है। रेड लाइन से मैंने क्या शो किया है, जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल था, ठीक है। अब ये सारी कार्बन का एडजेसेंट है, ये रेजोनेंस है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, ये पेयर यहाँ पे बन रहा है, अगले में यही पेयर यहाँ पे बन रहा है, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम हो गई ना, किसकी, वेलेंस इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, इन एटम्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, रेजोनेंस। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये वाले, ये पांचों के पांचों जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक है। इनको कैसे हम सेपरेट आउट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों इक्वल वेटेज के हैं, ठीक है। अब हम कह लेते हैं इसको स्ट्रक्चर 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं, और ये है स्ट्रक्चर 4 और ये है स्ट्रक्चर 5, ठीक। जो हमारे पास स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है, ये कहलाते हैं जी कैकूल स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाते हैं, कैकूल, जो कि सबसे पहले फार्मूला जिसने पेश किया था, किसका, बेंजीन रिंग का, ये कैकूल स्ट्रक्चर है। और कार्बन 3 और कार्बन 4 5 ये कहलाएंगे डीवार स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएंगे, डीवार स्ट्रक्चर जी। अब अगर हम देखें कैकूल स्ट्रक्चर में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इनकी होगी मेजर कंट्रीब्यूशन, इनकी क्या होगी, मेजर कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर हम डीवार स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, थर्ड से, डीवार स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में जो बॉन्ड है, ये लॉन्गर है। अगर हम स्ट्रक्चर 4 की बात करें, तो कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच में जो बॉन्ड है, ये हम साथ साथ लिख लेंगे, कार्बन 2 और कार्बन 5 का बॉन्ड लॉन्गर है। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो कार्बन 3 और कार्बन 6 का जो बॉन्ड है, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये क्या है, लॉन्गर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डीवार स्ट्रक्चर में कार्बन, स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बन 1 और कार्बन 4 का जो बॉन्ड लेंथ है, ये लॉन्गर है, किसकी निस्बत, नॉर्मल इन बॉन्ड्स की निस्बत, या जो कैकूल स्ट्रक्चर में थे, ठीक है। और ये इसी तरह से कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच में, कार्बन 3 और कार्बन 6 के बीच में जो बॉन्ड है, ये लॉन्गर है, किसकी निस्बत, इन बॉन्ड्स की निस्बत बाकी के जो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड लॉन्गर होगा तो वो क्या होगा, वीकर होगा। वीकर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्या होगी, माइनर कंट्रीब्यूशन होगी, कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन क्या होगी, माइनर कंट्रीब्यूशन होगी, किसकी तरफ, एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि किसका है, बेंजीन का है, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इन 5 स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, ठीक है। ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर जो है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कम कंट्रीब्यूट करेंगे। जिनकी बॉन्ड लेंथ सारी की सारी इक्वल है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिनकी बॉन्ड लेंथ वेरिएबल हैं, जिस तरह से ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, ये वाले स्ट्रक्चर क्या करेंगे, माइनर कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टेबिलिटी को, तो जितनी ज्यादा हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर हम देखें, हमारे पास पांच स्ट्रक्चर बन रहे हैं बेंजीन के, इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसमें कैकूल स्ट्रक्चर की है मेजर कंट्रीब्यूशन, और ये जो तीनों डीवार स्ट्रक्चर है, इनकी क्या है, माइनर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कम कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तीन सिंगल तीन डबल बॉन्ड, ये क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, ये रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड कहलाएंगे, या फिर ये कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, रेजोनेटिंग बॉन्ड या फिर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड और तीनों सिंगल बॉन्ड क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग या फिर कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो अब आपको पता है ये
अगर हम देखें बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो ये जो हमने बॉन्ड बनाया है कार्बन 1 और 6 के बीच में, ये यहीं पे फिक्स नहीं है, ये पूरी रिंग में रोटेट कर रहा है। देखें अगले स्ट्रक्चर में ये कार्बन 1 और 2 के बीच में आ गया, उससे अगले स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और 4 के बीच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड यहाँ पे है, ये जो मैंने डबल बॉन्ड की रेड लाइन लगाई हुई है, ये यहीं पे फिक्स नहीं है, ये हाईली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रेजोनेट कर रहे हैं। इस वजह से बेंजीन की अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें, तो पीछे भी आप पढ़ चुके हो, ये सारी की सारी इक्वल है अगर हम उसको कंपेयर करें जी। अगर हम देखें बेंजीन में बॉन्ड लेंथ, तो ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो, ये इक्वल है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें उसको अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन से, तो अल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर हम अल्कीन्स में देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम अल्काइन्स को देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम बेंजीन को देखें तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। अब ये इन दोनों के बीच में आ रही है, ट्रिपल सॉरी इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, 1.34 और 1.54। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का अगर हम बॉन्ड देखें, ना तो ये सिंगल है ना ही डबल है, बिटवीन है, ठीक है। मतलब ये 1.5, आगे अगर बीएससी में जाएंगे आप लोग तो आगे फर्दर स्टडी में देखेंगे कि 1.5 बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको छोड़ें, बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल के बीच में है। इसलिए बजाय इसके कि हम सॉलिड लाइन से शो करें बॉन्ड को, हम क्या करते हैं, 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करके उसके अंदर सर्कल शो कर देते हैं। ये सर्कल किसको शो करता है, अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड को। ये शो करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हाईली रेजोनेटिंग है, रेजोनेट करेंगे, और इसको हम बजाय इसके कि फिक्स करें, हम क्या करेंगे, सर्कल से शो कर देंगे। ये था जी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का, और आपको दीवार स्ट्रक्चर भी समझ आ गए, केकुल स्ट्रक्चर भी समझ आ गए। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको पसंद लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।